हर एक महिला डिलीवरी से 1 से 2 महीना पहले डरती है, घबराती है, एक अलग प्रकार की बेचैनी महिला में दिखाई देती है। ये बहुत नॉर्मल होता है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के समय लेबर पेन और जो पेन होता है उसको सोचकर पहले से ही महिला डरने लगती है। ऐसा करने पर महिला को 2 नुकसान होते हैं। पहला, महिला की जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होने की बजाय सुकुड़ने लगती हैं, टाइट होने लगती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। नंबर 2, ज्यादा टेंशन या घबराने से महिला सही से खाना नहीं खा पाती और महिला के शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। शिशु का विकास सही से नहीं होता। शिशु तक महिला का वो डर, वो बेचैनी पहुंचती है, जिससे बच्चे के स्वभाव पर भी उसका असर पड़ता है। इस डर और बेचैनी से बचने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? नंबर 1, आप योगा और वॉक का सहारा जरूर लीजिए। डिलीवरी का समय पास आने पर महिला को सुबह और शाम 2 टाइम 1-1 घंटा वॉक जरूर करनी चाहिए। जब भी आप खाना खाएं तो उसके 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करें और उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा वॉक जरूर करनी चाहिए। आप चाहें तो कमरे में ही वॉक करें, मगर आपको 3 टाइम या 2 टाइम वॉक डेली करनी चाहिए। नंबर 2, आप योगा कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। इन चीजों से आपका जो मन है वो शांत होगा, वो रिलैक्स होगा। साथ ही योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज का फायदा आपको और आपके शिशु को होगा, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ेंगे। डिलीवरी से पहले कुछ एक्सरसाइज की जाती हैं, जैसे स्क्वाड एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, डक वॉक। ये सारी एक्सरसाइज आप डॉक्टर की परमिशन लेकर ही करें। इसी के साथ आप बुक्स रीडिंग कीजिए, डिलीवरी के बाद बच्चे को कैसे संभालते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराते हैं, साथ ही बच्चे को कैसे पकड़ना है, कैसे नहलाते हैं, बच्चे की केयर कैसे करनी है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको लेनी चाहिए। इन सारी जानकारी से आपका मन शांत होगा, आपको अच्छा लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे। इसी के साथ शिशु के साथ बातें कीजिए। अगर आप अधिक डरते हैं तो इससे शिशु भी गर्भ के अंदर डरता है, उसकी भी स्वभाव में उस डर का प्रभाव पड़ता है। तो आप शिशु के साथ बातें कीजिए, अपना डिलीवरी बैग रेडी कीजिए अपने लिए और अपने बेबी के लिए, उसमें चीजें रखिए, बुक्स पढ़िए, आपको जो भी चीज पसंद है, जिस भी चीज से खुशी मिलती है, वो सारे काम कीजिए ताकि आप डरे ना, घबराए ना। नंबर 2, डिलीवरी से पहले आपको अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराना चाहिए, अपना बीपी चेक कराना चाहिए और अपना वेट जरूर चेक कराना चाहिए। अगर आपका बीपी कम रहता है या आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम रह रहा है या आपका वजन कम हो रहा है, तो इनसे भी आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उनके चांस कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि आपके शरीर में इन चीजों की कमी ना हो। नंबर 3, डिलीवरी से 1 महीना पहले अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। अल्ट्रासाउंड में ये चीज जरूर चेक करें कि बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन ली है या नहीं ली है। अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन नहीं ली है तो कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे स्क्वाड एक्सरसाइज, डक वॉक, बटरफ्लाई और नॉर्मल जो आप वॉक करते हैं, इन सब से बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेता है। तो अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन नहीं ली है तो आपको इन चीजों का सहारा लेना चाहिए। अगर बच्चे की हेड डाउन पोजीशन नहीं आती तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम होते हैं। नंबर 4, डिलीवरी के 1 से 2 महीना पहले आपको ठंडी तासीर की चीजें नहीं लेनी चाहिए। ठंडी तासीर की चीजें लेने से आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, टाइट होने लगती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि डिलीवरी के 1 से 2 महीना पहले आपको गर्म तासीर की चीजें लेनी है। आप गुनगुना पानी पीजिए, आप गुनगुने पानी से नहाइए। इन दोनों कामों को करने से भी आपकी जो मसल्स हैं फ्लेक्सिबल होती हैं। साथ ही आप गर्म तासीर की चीजें खा सकते हैं और पी सकते हैं, जैसे हलवा, लड्डू जो प्रेगनेंसी में खाया जाता है डिलीवरी से पहले स्पेशली, उनको आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं, दूध में घी डालकर ले सकते हैं। आप दूध में किशमिश, हल्दी या केसर डालकर भी ले सकते हैं। इसी के साथ आप जो खजूर हैं उनका सेवन कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी से 1 महीना पहले मॉर्निंग में 4 से 5 खजूर का सेवन डेली करते हैं तो इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 5, अगर डिलीवरी से पहले शिशु का वजन नहीं बढ़ रहा है या बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसकी वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं।
अगर आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे का वजन सही समय पर सही तरीके से बढ़ सके। अगर आपके बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ गया है तो मीठी चीजें अपनी डाइट में शामिल ना करें। अगर आप बहुत अधिक मीठा खाते हैं तो इससे बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, साथ ही आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला जो मधुमेह होता है यानी कि शुगर, उसकी शिकायत हो सकती है। तो आपको अधिक मीठा डिलीवरी से पहले नहीं लेना। डिलीवरी के 1 से 2 महीना पहले आपको बाहर का अनहेल्दी फूड भी खाना बंद कर देना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर महिलाएं बाहर का अनहेल्दी फूड अधिक लेती हैं, मगर डिलीवरी से 1 से 2 महीना पहले आपको ये सारी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप डिलीवरी से पहले जितना वॉक करते हैं वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस को बढ़ा देता है। साथ ही लीवर पेन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको अपनी डिलीवरी डेट से पहले होनी चाहिए। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके हमें जरूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।